कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में और ओडिशा में किस प्रकार से पैसा देने जा रही है, अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मीडिया वाले जो है ना ये आपको नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मोदी की बात करें अंकल जी, ये सिर्फ अंकल जी दिखाएंगे आपको, या अंकल जी या फिर आपके नवीन बाबू। यहां पे जो मैं भाषण दे रहा हूं, जहां मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, ये भाषण आपको टीवी पे नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी जी जैसे लोगों के हैं। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है, कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। ₹3000 बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, और जो गैस का सिलेंडर है जो नरेंद्र मोदी कितने का देता है, नवीन बाबू कितने का देते हैं, 800, 1100, कितने का मिलता है, 1100, ये 500 का हो जाएगा। और ओडिशा की सरकार धान के लिए ओडिशा के किसानों को ₹3000 प्रति क्विंटल देने जा रही है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो तेलंगाना जाइए, कर्नाटक जाइए, और वहां की जनता से पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी वहां पूछ लीजिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो धान के लिए ₹3000 मिलता था, हाँ या ना, सिलेंडर कितने का मिलता था पूछ लीजिए, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है पूछ लीजिए। तो ओडिशा की सरकार ₹2000 महीने के महिलाओं को देगी, ₹3000 महीने के युवाओं को देगी, किसानों को ₹3000।